भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर थम गया है। बारिश थमने के साथ ही एक बार फिर लोगों को उमस ने परेशान करना शुरू कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त के बाद प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में बीते 8 दिनों से तेज बारिश नहीं हुई है। कई जिलों में बारिश का दौर पूरी तरह से थमा हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में भी इजाफा हो रहा है और उमस भी अपना असर दिखा रही है। मौसम वैज्ञानिक प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि एक लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश के आसपास से होता हुआ बीकानेर की ओर जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश होगी। इधर मौसम विभाग ने बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। हाँ, अभी जो है एक लो प्रेशर एरिया जो है कि साउथ बांग्लादेश उसके आसपास है, और जो ट्रफ लाइन है वो बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, सतना, रांची से होते हुए साउथ बांग्लादेश और नेबरहुड उसके आसपास तक जा रही है, और एक जो है वेस्ट राजस्थान के ऊपर साइक्लिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण जो है कि लाइट टू मॉडरेट रेन होने के चांसेस रहेंगे, और आने वाले दिन जैसे 20 तारीख के आसपास थोड़ा सा रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ सकती है। कुछ जगह हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, जैसे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, और ईस्ट भाग में देखेंगे तो डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, और इधर जो है हैवी रेनफॉल होने के चांसेस लग रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।